मैंने फैंटेसी में ग्रैंड लीग जीती है तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ा। राम राम सारे भाई आना है, कैसे भी आप सब दोस्तों, आज संडे और आज के दिन मैं बनाता हूँ आपके लिए संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो। दोस्तों आपने आज का टॉपिक पढ़ लिया भाई कि फैंटेसी में हमें टैक्स क्यों देना पड़ता है, क्योंकि भाई ये हम राशि जीत रहे हैं 1 करोड़, 1 लाख, 2 करोड़, ये तो हमारा पैसा ना, तो फिर हमसे फैंटेसी ये टैक्स क्यों ले रहा है? क्या ये रूल फैंटेसी का है, क्या रूल ये गवर्नमेंट का है? तो सब कुछ भाई डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ चिपके रहना। जो भाई नए हैं वो सोच रहे कि भाई हमारा पैसा फैंटेसी क्यों काट रहा है, तो सब कुछ बताऊंगा भाई मैं ये टैक्स क्यों काटा जाता है, तो एंड तक देखना भाई। और अपना चैनल है धुवन फैंटेसी हाउस, इसको कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्स जो कि फैंटेसी में सबका कटता है। और दोस्तों एक बात और, ये पैसा आपको मिल भी सकता है रिटर्न में, वो कैसे मिलेगा वीडियो में आगे बताऊंगा मैं। अगर कोई 10,000 से ऊपर की विनिंग करता है तब भी इसको टैक्स देना पड़ता है। कितना टैक्स देना पड़ता है वो मैं आपको खुल के बताऊंगा। जब भी कोई पर्सनल लॉटरी या ऑनलाइन गेम्स में कोई राशि जीतता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 194 के प्रावधान अप्लीकेबल हो जाते हैं। इन प्रावधानों के अनुसार ऐसी जीती गई राशि का पेमेंट आपको 30% का TDS काट कर किया जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा भाई ये रूल गवर्नमेंट ने बनाया है। जब भी आप 10,000 से ऊपर कोई राशि जीते हो, चाहे गेम्स हो या ऑनलाइन कोई गेम हो, तो आपको देना पड़ता है। तो आगे बात करते भाई क्यों TDS काटा जाता है, इसके ऊपर बात करते हैं। TDS इनकम टैक्स का एक हिस्सा है। दरअसल किसी व्यक्ति की आय का स्रोत क्या है, उस पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे ही TDS कहा जाता है। TDS अलग अलग के आय स्रोतों पर काटा जाता है, जैसे सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि। सरकार TDS के जरिए टैक्स जुटाती है। आगे बात करते भाई, इसका मतलब यह कि अगर आपने ड्रीम फैंटेसी में 1 करोड़ रुपया जीता ना, तो आपको कितना भाई 30% काटकर 70 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आप समझो भाई अगर आपने फैंटेसी में 1 करोड़ जीता तो आपको भाई 30 लाख रुपए TDS देने पड़ेंगे जो टैक्स है, और भाई जो 70 लाख बचे वो आपके खाते में आ जाएंगे। इसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न में इस 1 करोड़ की इनकम को अन्य सोर्स से इनकम के तौर पर दिखाना होगा, जहां इस इनकम पर 30% टैक्स रेट प्लस एजुकेशन सेस 4% प्लस सरचार्ज 10% लगा जाएगा। टोटल टैक्स लाइबिलिटी में आप काटे गए TDS की छूट क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि फैंटेसी में, ड्रीम फैंटेसी में कितना टैक्स भाई देना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं आयकर अधिनियम की धारा 194 के तहत 10,000 से अधिक की पुरस्कार राशि और खेल लॉटरी आदि से अन्य जीत पर 30% काटा जाता है। दोस्तों जब मैंने भाई फैंटेसी में लाखों की ग्रैंड लीग जीती तो वह मुझे भाई 30% का टैक्स देना पड़ा। तो चलिए दोस्तों आपको मैं एक लाइव प्रूफ देता हूँ। ये देखो भाई स्क्रीनशॉट है, ये मैंने कई साल पहले कबड्डी में ग्रैंड लीग जीती थी। उस वक्त भाई 8 रुपये की ये ग्रैंड लीग आती थी, आप देख सकते हो, तो 8 × 48, तो मैंने भाई 6 लीग लगाई थी। तो भाई मेरी भाई 6ठे नंबर की टीम 1 रैंक पे आई थी। तो उस वक्त भाई हम 4 बंदे और आगे 1 रैंक पर, तो हम हो गए 5, 10 बंदे 50, तो हमको कितना मिला, सबको मिला 10,000 रुपये। तो मैंने भाई कुछ लीग और लगाई थी, स्मॉल लीग की, 4 मेंबर की, 20 मेंबर की, तो भाई उसके हिसाब से मुझे 200 और मिला। तो भाई मेरा कितना हुआ, 10,200 रुपये हुआ। तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ा, 3,000 रुपये। तो इस तरह भाई हमें टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि भाई ये पैसा हमें क्या वापस मिल सकता है जो हमारा टैक्स कटा है ड्रीम फैंटेसी में या कोई और फैंटेसी साइट है। सब में कटता भाई, सब में एक सा रूल है, 30% भाई सब में कटता है। तो बात करते हुए आगे, क्या हम ड्रीम फैंटेसी द्वारा जीते गए पैसों से जो टैक्स की कटौती होती है उसे प्राप्त करने हेतु ITR फाइल कर सकते हैं? तो भाई इसके बारे में बात करेंगे। अगर इस पर GST का टैक्स कटा होगा तब आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। अगर ये GST में कटा तो आपको नहीं मिलेगा। अगर ये TDS में कटा होगा तब आप इसे ITR में शो कर सकते हैं और इसे क्लेम कर सकते हैं। अगर ये TDS में कटाना तो आपको मिल जाएगा। जैसे भाई ड्रीम फैंटेसी है और भी कोई फैंटेसी साइट है तो उसमें आपको ये पैसा मिल जाता है। तो कैसे मिलेगा, इसे क्लेम कर सकते हैं। कितने TDS आपके पैन कार्ड से कटा गया है इसकी जानकारी आपको 26AS द्वारा मिल जाती है। तो भी आपको इसकी भाई जो जानकारी वो आपको मिलेगी 26AS के तहत।
कोई फॉर्म है, जो टीडीएस अमाउंट है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो भाई देखो भाई, जो कटा ना जीएसटी वो तो मिलेगा नहीं, जो टीडीएस में कटता ना वो आपकी भाई अकाउंट में वापस आ जाता है। भाई आपने फैंटेसी में भाई 1 करोड़ जीता तो भाई आपको कितना पैसा कटा आपका, 30 लाख रुपए कटा। 1 करोड़ आपने विनिंग की तो आपको 30 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ा। तो भाई ये आपको मिल सकता है, अगर ये टीडीएस के रूप में कटा ना तब आपको भाई ये पैसा मिल सकता है। दोस्तों आपको आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कि हमें फैंटेसी में कितना टैक्स देना पड़ता है जब हम करोड़ों की ग्रैंड लीग जीतते हैं, ये हमें वापस मिल सकता है, कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको मैंने बताया भाई इस वीडियो में। फिर भी कोई भाई रह गया है, उसने अब तक अपना कोई भी कमेंट्स मुझसे नहीं पूछा, तो भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी कमेंट मुझसे पूछो भाई, और अगले संडे को मैं उस भाई के क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो। इसमें हमने भाई एक टॉपिक पर बात की कि हमें फैंटेसी में टैक्स कितना देना पड़ता है। तो भाई हर संडे को मैं कोई ना कोई टॉपिक आपके सामने लाता रहता हूँ जिसकी आपको नॉलेज नहीं हो, तो वो नॉलेज आपको मैं देता हूँ। तो दोस्तों आप हमारा YouTube चैनल धोन फैंटेसी हाउस इसको कर लो सब्सक्राइब, सब कुछ मिलता है, ग्रैंड लीग की वीडियो लाइव भी आता हूँ मैं, संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो आती हैं, और भाई जैसे कोई मैच है वुमेन IPL मेंस IPL उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं ला के देता हूँ कि आज कौन सा कैप्टन चलेगा कौन सा कैप्टन नहीं चलेगा, आपको स्मॉल लीग में किसको कैप्टन करना चाहिए, ग्रैंड लीग में किसको कैप्टन करना चाहिए, तो सब कुछ आपको भाई इसी चैनल पर मिल जाता है। तो अपने चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले संडे को, धन्यवाद एक और संडे कमेंट बॉक्स वाली वीडियो के साथ।